हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम सामाजिक अध्ययन का पार्ट 8 पढ़ेंगे, जिसका नाम है जल। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है परिचय, हम पहले परिचय को पढ़ते हैं। जल पृथ्वी पर जीवन का आधार है। पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है, लेकिन इस विशाल जल राशि में पीने तथा दैनिक जीवन में उपयोग करने योग्य जल की मात्रा बहुत सीमित है। संपूर्ण जल का मात्र 1% भाग ही पीने योग्य है। तो बच्चों, पृथ्वी पर जितना भी जल है उसमें से 1% या फिर 1% जल ही पीने योग्य है, ठीक है। और पूरी पृथ्वी पर कितना जल पाया जाता है? 3/4, ठीक है। लगभग 71% जल पाया जाता है पृथ्वी पर, ठीक है, उसमें से 1% जल ही पीने योग्य है। बाकी का जो जल है वो समुद्रों में, नदियों में, झरनों में है, जो कि पीने योग्य नहीं है, ठीक है। हमारे दैनिक जीवन में जल की बहुत आवश्यकता होती है। पीने, नहाने, भोजन पकाने, कपड़े धोने आदि सभी कार्यों के लिए जल आवश्यक है। जल हमें तालाबों, कुओं, नदियों, वर्षा आदि से प्राप्त होता है, ठीक है बच्चों। जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? तालाबों, कुओं, नदियों, वर्षा आदि से प्राप्त होता है। फिर अगली हेडिंग है जल के स्रोत। जल के कौन कौन से स्रोत हैं बच्चों? पृथ्वी पर जल मुख्यतः 2 रूपों में पाया जाता है, नंबर 1 भूतल जल और नंबर 2 भूगर्भीय जल। तो इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। भूतल जल और भूगर्भीय जल क्या होता है? सबसे पहले हेडिंग दी हुई है भूतल जल। पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाला जल भूतल जल कहलाता है। तालाब, नदियां, समुद्र, झरने आदि भूतल जल के प्राप्ति के साधन हैं। भूतल यानी क्या होता है बच्चों? जो भूमि के तल के ऊपर जो जल भरा हुआ है उसे हम भूतल जल कहते हैं। जैसे कि तालाबों में, नदियों, समुद्र, झरने आदि, ये किसके उदाहरण हैं? भूतल जल के, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं तालाब। तालाब अधिकतर गांवों तथा छोटे नगरों में पाए जाते हैं। ये गड्ढे के रूप में होते हैं जिनमें वर्षा का जल एकत्रित होता है। तालाब के जल का प्रयोग लोग कपड़े धोने में, नहाने में, पीने में, पशुओं को नहलाने आदि कार्यों में करते हैं, ठीक है बच्चों। आगे अगली हेडिंग है नदियाँ। नदी प्राकृतिक जल का प्रमुख साधन है। अधिकांश नदियां पर्वतों से निकलती हैं, जबकि कुछ नदियों में जल वर्षा से तथा कुछ में हिम नदों से आता है। नदियों का जल स्वच्छ होता है। इनके जल का उपयोग खेतों की सिंचाई के लिए किया जाता है। इस जल को शुद्ध करके नगरों एवं महानगरों में पेयजल की पूर्ति भी की जाती है, पेयजल यानी पीने के लिए। तो बच्चों, जो नदी है वो क्या है? प्राकृतिक जल का प्रमुख साधन है। और अधिकांश नदियां कहाँ से निकलती हैं? पर्वतों से। और तो कुछ नदियों में जल वर्षा के पानी से आता है और कुछ हिमनदों से। जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं उनमें बर्फ इकट्ठा होता है, और जब गर्मियों के दिनों में वो बर्फ पिघलता है तो वो नदियों के रूप में बहने लगता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं। कुछ नदियों में हिमनदों से आता है। नदियों का जल स्वच्छ होता है। इसके जल का उपयोग खेतों की सिंचाई के लिए किया जाता है, और कुछ जल को शुद्ध करके नगरों एवं महानगरों में पीने के लिए भी उपयोग किया जाता है। आगे है अगली हेडिंग समुद्र। समुद्र पृथ्वी पर जल के विशाल स्रोत हैं। समुद्र का जल अत्यधिक खारा होता है, जिस कारण इस जल का प्रयोग पीने के लिए नहीं किया जा सकता। नदियों का जल भी इनमें गिरकर खारा हो जाता है। तो बच्चों, जो समुद्र होते हैं वो बहुत विशाल होते हैं, और पृथ्वी पर जल के विशाल स्रोत हैं। समुद्र का अत्यधिक जो जल होता है वो बहुत खारा होता है, इसलिए हम उसका उपयोग पीने के लिए नहीं करते हैं, ठीक है। नदियों का जल भी समुद्र में मिलकर खारा हो जाता है, ठीक है। आगे है भूगर्भीय जल। भूगर्भीय जल क्या होता है बच्चों? उसके बारे में पढ़ते हैं हम। वर्षा का जल बहकर वर्षा का जल बहकर नदियों, तालाबों एवं समुद्रों में चला जाता है, लेकिन इस जल का बहुत बड़ा भाग
भूमि द्वारा सोख लिया जाता है। भूमि के द्वारा सोखा गया जल भूगर्भीय जल कहलाता है। यह जल शुद्ध होता है। इस जल को कुएं, नलकूप, हैंडपंप आदि की सहायता से निकाला जाता है। तो बच्चों, भूगर्भीय जल क्या होता है? वर्षा का जल बहकर नदी, तालाब एवं समुद्रों में चला जाता है, लेकिन इस जल का बहुत बड़ा भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है, यानी भूमि के अंदर चला जाता है। भूमि द्वारा सोखा गया जल ही क्या कहलाता है? भूगर्भीय जल। और यह जल प्राशुद्ध होता है। इस जल को हम कुएं, नलकूप, हैंडपंप आदि की सहायता से निकाला जाता है। ठीक है, आगे है। सबसे पहले हेडिंग कुआं। कुएं भूगर्भीय जल प्राप्ति के प्राचीन साधन है। ठीक है, सबसे प्राचीन या पुराने साधन है। ठीक है, पहले से प्रयोग किए जा रहे हैं। कुएं ऐसे स्थानों में खोदे जाते हैं जहाँ कुछ ही गहराई पर जल मिल जाता है। इनका पानी पीने योग्य होता है। भूगर्भीय जल प्राप्ति के अन्य अच्छे विकल्पों के विकास के कारण आधुनिक समय में कुएं खोदने की आवश्यकता नहीं रही है। कुछ स्थानों पर प्राचीन कुओं का ही उपयोग जल आपूर्ति के लिए किया जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर साइड में दिया हुआ है जो क्या है, एक कुआं है। ठीक है, इस प्रकार से पहले कुएं खोदे जाते थे जिनका प्रयोग हम पीने के लिए करते थे। ठीक है, अब जल प्राप्ति के कुछ नए साधन उपलब्ध हो गए हैं तो कुएं का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो पहले से कुएं हैं बस उनका ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, और इनका जो जल होता है वो पीने योग्य होता है। आगे दिया हुआ है नलकूप। नलकूपों का निर्माण धातु के नलों को भूमि में जल स्तर तक धंसाकर किया जाता है। इस प्रक्रिया में इस पर मशीन चालित पंप लगाए जाते हैं जो विद्युत ऊर्जा मिलने पर भूगर्भीय जल को सतह पर लाता है। इनका प्रयोग खेती में सिंचाई के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त नगरों में पेयजल आपूर्ति के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, ये जो दिख रहा है ये क्या है? नलकूप है। ठीक है, नलकूप का निर्माण धातु के नलों को भूमि के जो जल स्तर तक होता है वहाँ तक धंसाकर किया जाता है। उसमें मशीन चालित पंप लगाया जाता है जो कि विद्युत ऊर्जा मिलने पर भूगर्भीय जल को सतह पर लाता है। ठीक है, इसका प्रयोग खेती में किया जाता है। इसके अतिरिक्त नगरों में पेयजल आपूर्ति के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे दिया हुआ है। आपने क्या सीखा? अभी जो हमने ऊपर पढ़ा उसमें क्या सीखा, उससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों, किन्हीं दो भूतल जल के स्रोतों के नाम लिखिए जिनसे जिनका जो जल होता है वो भूमि की सतह पर हो। ऐसे स्रोतों के नाम लिखना है। तो पहले नंबर पर तालाब और दूसरे नंबर पर नदियाँ। तालाब और नदियाँ किसके उदाहरण है बच्चों? भूतल जल के। ठीक है, दूसरा प्रश्न है किन्हीं दो भूगर्भीय जल के स्रोतों के नाम लिखिए यानी जिनका जल भूमि के अंदर है। तो उसमें हम पहले नंबर पर लिखेंगे कुआं और दूसरे नंबर पर नलकूप। ठीक है, ये क्या है? भूगर्भीय जल के स्रोत हैं। आगे अगली हेडिंग है हेडपंप। हेडपंप हस्तचालित पंप होते हैं। हस्तचालित यानी हाथ से चलने वाले। ठीक है, इनका प्रयोग भूगर्भीय जल सतह तक लाने के लिए किया जाता है। हेडपंप लगाने के लिए भूमि भूमि में एक संकरा तथा गहरा गड्ढा किया जाता है। उसमें हेडपंप को स्थायी रूप से लगाया जाता है। हेडपंप का जल स्वच्छ तथा पीने योग्य होता है। बच्चों, यहाँ पर जो दिख रहा है क्या है? हेडपंप है, आप सभी ने देखा होगा। ठीक है, जो कि कैसा हस्त चलित यानी हाथ से चलने वाला पंप होता है। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है जल का उपयोग। जल का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं हम, उसके बारे में पढ़ते हैं। पहली हेडिंग दी हुई है दैनिक जीवन में जल का उपयोग। दैनिक जीवन में अनेक घरेलू कार्य करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। जल का प्रयोग पीने, भोजन पकाने, घर की सफाई करने, नहाने, कपड़े धोने आदि कार्यों में किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो जल का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? पीने के लिए, भोजन पकाने के लिए, घर की सफाई के लिए तथा नहाने व कपड़ा धोने के लिए जल का प्रयोग करते हैं।
आगे दिया हुआ है, सिंचाई में जल का उपयोग। पेड़ पौधे तथा फसलों की सिंचाई के लिए जल का उपयोग किया जाता है। अधिकांश किसान सिंचाई के लिए वर्षा पर ही निर्भर रहते हैं, परंतु कुछ स्थान जहां वर्षा बहुत कम होती है वहां कृत्रिम विधियों जैसे नहरों, कुओं, नलकूपों आदि के द्वारा सिंचाई की जाती है। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है विद्युत उत्पादन में जल का उपयोग। जल विद्युत उत्पादन का सबसे सस्ता तथा सुलभ साधन है। इसके लिए एक संयंत्र लगाया जाता है जिसमें जल को काफ़ी ऊंचाई से तेज गति के साथ नीचे संयंत्र पर गिराकर उसे चलाया जाता है। इस प्रकार विद्युत उत्पन्न की जाती है। ठीक है बच्चों, आगे है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती हैं? देश के सभी भागों में समुचित जल व्यवस्था बनाने के लिए सरकार ने अनेक परियोजनाएं चलाई हैं जिन्हें नदी घाटी परियोजना कहते हैं। इन परियोजनाओं में नदियों के जल को एक निश्चित स्थान पर बड़ी दीवार बनाकर एकत्र कर लिया जाता है जिसे बांध कहते हैं। इस जल का उपयोग खेतों की सिंचाई करने में तथा विद्युत उत्पादन करने आदि के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त बांध बाड़ों को भी नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। देश में अनेक नदियों पर बांध बनाए गए हैं जिनमें से कुछ प्रमुख बांध निम्न हैं। सतलुज नदी पर भांगड़ा नागर बांध, महानदी पर हीराकुंड बांध, कृष्णा नदी पर नागार्जुन बांध तथा तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा बांध। ठीक है बच्चों, ये कुछ प्रमुख बांध थी। क्या आप जानते हैं हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है जिसकी लंबाई 4801 मीटर है। तो बच्चों जो हीराकुंड बांध है जो कि कहाँ पर है, महानदी पर, ठीक है, इसकी लंबाई विश्व के सभी बांधों में सबसे अधिक है। इसकी लंबाई कितनी है? 4801 मीटर। आगे है मुख्य बिंदु। पहला बिंदु है संपूर्ण जल का मात्र 1% भाग ही पीने योग्य है। दूसरा है पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाला जल भूतल जल कहलाता है। तीसरा है समुद्र पृथ्वी पर जल के विशाल स्रोत हैं। चौथा है भूगर्भीय जल को कुएं, नलकूप, हैंडपंप आदि की सहायता से निकाला जाता है। तीसरा है जल विद्युत उत्पादन का सबसे सस्ता तथा सुलभ साधन है। अगला पॉइंट है सतलुज नदी पर भांगड़ा नागल बांध बनाया गया है। ठीक है बच्चों, इन्हीं पॉइंटों के साथ हमारा जो चैप्टर है वो पूरा होता है। आज इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे, अगली वीडियो में इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।